यह पोको का मोबाइल पोको X3 प्रो। कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ फ्रॉड कर रही है। उनके मोबाइल अंडर वारंटी आउट ऑफ वारंटी में डेड हो रहे हैं, क्योंकि इसके जो मदरबोर्ड है उसमें जो CPU होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, और 33 वॉट के चार्जर से ये फ़ोन डैमेज हो जाता है और उसके बाद इसका मदरबोर्ड ख़राब होता है। मेरा एक साल में दूसरी बार चक्कर है। एक महीना पुराना मेरा फ़ोन है। सर्विस सेंटर गया, विज़िट किया, उनको दिखाया, उन्होंने कहा कि एक्सचेंज में नोट 10 प्रो मिल जाएगा। मैंने कहा ओके। देन मेरा एक साल एक महीना पुराना, तो कह रहे आउट ऑफ वारंटी की वजह से, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगा कि पोको, Xiaomi, रेडमी ऐसे मोबाइल बनाते ही क्यों है कि कस्टमर के एक मेहनत की कमाई के पैसे के जो परचेज़ करते हैं एंड देन उनको वो रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। तो ऐसी कंपनियों को बैन कर देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि इन फ्यूचर कोई भी इंसान अगर मोबाइल ख़रीदता है Xiaomi का ना ख़रीदे, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई का पैसा अगर आप एक साल तक ऐसे यूज़ करके आप फ़ोन बंद देखना चाहते हो, उसे शोकेस में रखना चाहते हो, तो मत परचेज़ करना। ऐसी कंपनी को कभी ज़िंदगी में सपोर्ट मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।